तो 6.4 तक के हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 6.4 तक यही टॉपिक है। 6.5 और 6.6 के टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज में आते हैं नहीं, बस उनके बारे में छोटी सी बातें पूछ ली जाएंगी, वो मैं लिखवा रहा हूँ कि 6.5 और 6.6 भी काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो ज़रा देख लो कब आप यूज़ करते हो और क्या क्या यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तीन किस्म के फंक्शन होंगे तो आप यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो नॉर्मली अगर आप बुक देखोगे ना तो बुक में उन्होंने ये लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर रूट लगाया हुआ होता है। तो स्टूडेंट ने मुझसे बहुत सवाल पूछा कि सर अगर रूट लिखा हुआ है तब आप सब्स्टिट्यूट करते हो ये वाली चीज कि लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी आप लेट कर सकते हो। बुक वालों ने यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो स्टूडेंट समझते हैं कि रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रूट के जगह कोई और पावर आ गई जैसे क्यूब रूट आ गया या 3/2 पावर आ गई तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते। तो ये जहन में रखो इस सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक इस रूट से नहीं है, इसका ताल्लुक इस फॉर्म से है। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है चाहे उसकी कोई पावर ना हो, खाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है या उसकी कोई पावर हो, अब पावर में उसकी स्क्वायर रूट हो मतलब 1/2 पावर हो, 1/3 पावर हो, कोई भी फ्रैक्शनल पावर हो जैसे 5/2 3/5 तो वो मैटर नहीं करता। इस सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक बस इस फॉर्म से है, ये फॉर्म अगर मौजूद है तो ये आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले सवाल क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि ऊपर रूट हो। रूट इसलिए लिखवाते हैं कि ज्यादातर सवाल आपके रूट की फॉर्म में होते हैं तब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास कोई और हल नहीं होता। तो जहन में रख लेना कि बाकी भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा भी लेट कर सकते हो या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है इसके अंदर। ज्यादातर हम साइन यूज कर रहे होते हैं। दूसरी वाली फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसमें आप लेट करोगे एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या आप ए कॉट थीटा भी लेट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ज़्यादातर हम टेंजेंट थीटा लेट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, ये है वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट। तो इसमें आप लेट करते हो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और या एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा भी लेट कर सकते हो। तो MCQs में जस्ट आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, वो बोलेंगे बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका सिंपल हल ये कि पहले आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब ये कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है ना पहली फॉर्म है, तो यहाँ पर आप लेट करोगे लेट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर 2 है, लेट एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये आप लेट करोगे। इसी तरह अगर आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है लेट कर लो एक्स सिक्स माइनस 9, इसमें आपको बोला जाए कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आप क्या लेट करोगे, तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्स सिक्स को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब का स्क्वायर और 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो अब ये तीसरी वाली है, क्यों, वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट के जहन में आता है कि आपने हमेशा ही x लेट करना होता है, तो x लेट करना नहीं होता, आपने ये देखना होता है यहाँ पे x मौजूद था तो आप x लेट करते थे, अब यहाँ पे क्या मौजूद है x क्यूब मौजूद है तो यहाँ पे आप लेट करोगे x क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है 3 sec थीटा। तो हर जगह आप x इक्वल टू a sec थीटा नहीं लिखोगे, x क्या होगा जो यहाँ पे वेरिएबल है और a क्या होगा जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो वो आप लेट कर लोगे। तो इसके सवाल इस तरीके से आ सकते हैं कि आपने क्या लेट करना है, सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो सॉल्व करने के लिए नहीं आपसे बोला जा सकता। उसके बाद 6.6 आप ही कैंसिल हो गई है लेकिन उसका टॉपिक बड़ा ईजी था, बस शुरू की वर्किंग थोड़ी चेंज थी तो वही मैं बता रहा हूँ। 6.6 का टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने पहले करना होता है फिर आपने इंटीग्रेट करना होता है। इसका मतलब क्या है ज़रा मैं मतलब एक क्वेश्चन से बताता हूँ और आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेट कर लो, अगर आपके पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और आपसे बोला जाए कि भाई लेट करो, इसमें हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पहली बात ये इस फॉर्म में है ही नहीं तो यहाँ पे तो तीन टर्म आ गई हैं,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक यूज करोगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक क्या होती है उसको जरा समझते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में पहली दफा पढ़ी थी, मैट्रिक में भी शायद पढ़ी हो, कि आप एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे लिखो, 4x को अपनी जगह पे लिखो। ये जो x है ना, x वाली टर्म जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 4 को डिवाइड करो 2 से, 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2 के बराबर। 2 का स्क्वायर आप ऐड भी करवा दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और आप सब्ट्रैक्ट भी करवा दो। दोबारा बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास 6x होता तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है आपने उसको डिवाइड करना है 2 से। हमारे वाले केस में जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है, और अगर यहाँ पे 6x हो तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। डिवाइड करने के बाद जो भी चीज़ आएगी उसका स्क्वायर जो है वो आपने ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हमारे वाले केस में 2 आंसर आया था ना, तो 2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करवाया, 2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी करवाया। अगर 3 आता मेरा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो मैं 9 ऐड भी करवाता, मैं 9 सब्ट्रैक्ट भी करवाता। तो ये पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अच्छा, पहला ये होता है कि एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, वो तो 1 था ना, तो इसको मैंने छेड़ा भी नहीं है, तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। फिर ये जो प्लस 5 है ये तो अपनी जगह पे आ गया, इसको तो आपने नहीं छेड़ा ना, बस आपने अपनी तरफ से 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये जो शुरू की 3 टर्म है ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर रही है, ये बन जाएगा फॉर्मूला एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो x प्लस 2 होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो ये 3 टर्म आएंगे। और माइनस 4 प्लस 5 क्या होता है, 1 के बराबर। अब जरा देखो तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये हो गया वेरिएबल का स्क्वायर प्लस ये हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर। तो वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर सेकंड वाली में होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पूरा फंक्शन ये है, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये है। तो आप सेकंड वाला लेट करोगे, आप यहाँ पे लेट करोगे लेट, जैसे यहाँ पे x आता था ना, क्योंकि यहाँ पे x मौजूद होता था, यहाँ पे क्या मौजूद है, x प्लस 2। तो आप लेट करोगे x प्लस 2 बराबर है a tangent थीटा, a यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो यहाँ पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, x प्लस 2 इक्वल टू tangent थीटा सब्सटीट्यूट करोगे। तो 6.5 में तो डायरेक्ट ये सवाल होते थे, 6.6 में आप पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे उसके बाद ये काम करते थे। तो जो कैंसिल हुई है वो इतनी मुश्किल नहीं थी, जो आपका मिस हो गया वो ये बहुत बेसिक से एक्सरसाइज थी, बस शुरू की वर्किंग चेंज होती थी, बाद में वही आप काम करते थे जो आप 6.5 में करते हुए आ रहे थे। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के, बाकी ये सवाल लॉन्ग वाले हैं, ये एमसीक्यूज में बन नहीं सकते हैं। तो शुरू की 6 एक्सरसाइजेज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है, अब आप लोगों की ब्रेक है 10 से 15 मिनट की, इंशाल्लाह 20 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6.7, 8 और 9 ये एटलीस्ट हमें आज कंप्लीट करनी है। 6.10 और 11 ये कैंसिल तो हो गए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बनते हैं इससे, तो वो मे भी हमारा कल तक चला जाए। 6.89 तो आज हम करेंगे, 6.789 तो तकरीबन 4:20 पे दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। नहीं वो गलत होगा यार, ये तो बुक में देख लो ना, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं नहीं देखो बुक में, अगर आप देखो ना पेज नंबर 210 पे, तो उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है, इसके सामने लिखा हुआ है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा भी लेट कर सकते हो या x इक्वल टू ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो, बाकी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब ये वाली फॉर्म आएगी ना तो या तो आप ये लेट करोगे या आप ये लेट करोगे, बस ये दो चीज़ें आप लेट कर सकते हो, कोई भी आप एक लेट कर लोगे इस फॉर्म के लिए। अगर ये वाली फॉर्म आ जाए, ये वाली फॉर्म आ जाए, उसमें आप ये तो नहीं लेट कर सकते ना, ये जो लिखी हुई है वही चीज़ आप लेट कर सकते हो उसके अंदर। चलो ठीक है फिर। अच्छा, इसकी हिकमत भी होती है, अगर आपको चीज़ ना समझ आए ना तो आप लोग काम करना, किसी सवाल को पिक करना जो ये वाला सवाल है, उसमें काम करना आप ये वाली चीज़ लेट कर लेना और देखना वो आपसे सवाल होगा ही नहीं,
ये ज़रा ट्राई करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वाला सवाल है ना, इसमें आप ये लेट कर लेना और आप फंस जाओगे, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। ज़रा करके देखना, आपको आइडिया हो जाएगा, तब आपको समझ आएगी यार ये इसके लिए यही चीज़ बनी हुई है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, इसके लिए साइन थीटा बन सकता है, वरना मसला हो जाएगा। तो इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, या तो साइन यूज़ कर लो या कॉस यूज़ कर लो, दोनों सही है। इसी तरह इसमें या तो टेंजेंट लेट कर लो या कॉट लेट कर लो, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि ये वाला फंक्शन हो और आपने टेंजेंट लेट किया हुआ है। इस वाले फंक्शन के लिए इन दो में से कोई करोगे, कोई और पॉसिबल नहीं है।